किस गाड़ी को चला रहे थे, खबर जो आई है उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया कि कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को देहरादून में भर्ती करवाया गया और पंत ने कहा कि वो अकेले ड्राइव कर रहे थे, रात में उन्हें झपकी आ गई, हादसा हुआ रुड़की के पास, ये हादसा हुआ, पंत की कार पूरी तरह से जल गई और जैसे तैसे उन्होंने बीच में अपने आप को कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला, बचाया खुद को। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं, रुड़की से 20 किलोमीटर पहले यह घटना घटित हुई। तो ऋषभ पंत की जो स्थिति है उसको लेकर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ऋषभ पंत के दाहिने पैर में चोट आई है, पीठ में चोट आई है, हल्की चोट सिर में भी आई है और उनकी गाड़ी को, यही उनकी गाड़ी, देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीर जो है ऋषभ पंत की गाड़ी की है, गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। ये कहा जाता है कि डिवाइडर से टकराने के 5 मिनट या से 6 मिनट के बीच में ये गाड़ी पूरी तरह जल गई और जलने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस गाड़ी की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। हालांकि उस 5 मिनट के अंदर ऋषभ पंत शीशा तोड़कर बाहर निकलते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत गुप्ता जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक बहुत ही दुखद खबर जिसने तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतवासियों को परेशानी में डाल दिया, डरा दिया। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन खबर आ रही है कि ऋषभ पंत जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, ये एक अच्छी खबर। कैसे देख रहे हैं हादसे को आप और कोई नई अपडेट आपके पास? राहत की खबर, क्योंकि खतरे से बाहर का मतलब है कि जान को कोई खतरा नहीं है, तो वो राहत है। क्योंकि जिस तरह शुभांकर सुबह भी हम बात कर रहे थे, जब ये हादसा हुआ और गाड़ी न सिर्फ पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए बल्कि आग लग गई, यानी कि जब उनका इंपैक्ट हुआ है उस वक्त गाड़ी को जब आग लगी वो गाड़ी से बाहर आ गई। और आपने सुना होगा हरियाणा रोडवेज, विक्रांत आज हम और आप अगर ये कह रहे हैं कि ये खुशी वाली खबर है तो उसके पीछे जो शख्स है वो हमारे साथ जुड़ रहा है, सुशील इनका नाम है, वो ड्राइवर जिन्होंने ऋषभ पंत को गाड़ी से निकाला। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने देश के लाल को यूं बचाया, जरा बताएंगे वो क्या मंजर था जब ये घटना घटित हुई, क्योंकि आपने उन्हें बचाया, जीवन दिया, प्रत्यक्षदर्शी भी आप हैं, साझा कीजिए हमारे साथ सर। जी, जब मैं हरदोई साइड से आ रहा था सर, मैंने देखा 200-300 मीटर पहले कि ये कार असंतुलित होकर डिवाइडर कूदती हुई आ रही है जी। मैंने उसको समझ नहीं पाया मैं, ये तो हमारी बस में टकराएगी। मैं साइड में था सर्विस लाइन में, क्योंकि हमें वहां से ये गुरुकुल से सवारी उठानी होती है, साइड लाइन में चल रहा था। मैंने देखा ये तो साइड लाइन में गाड़ी आ गई, मैंने तुरंत झटके से गाड़ी को ड्राइव लाइन में डाला और गाड़ी इतनी स्पीड में वो थी कि कनेक्टर साइड में गाड़ी का तो टच नहीं हुई और वो पीछे निकल गई। मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते मैं ड्राइवर साइड में कूदा और भागते हुए देखा मैंने, मतलब गाड़ी थोड़ी थोड़ी चिंगारी उठ रही थी, गाड़ी रुक चुकी थी। मेरे पास आपके लिए दो सवाल है सर, एक सवाल तो ये है कि क्या गाड़ी में ऋषभ पंत अकेले थे, और दूसरा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि 6 मिनट बाद गाड़ी जो है वो जलकर स्वाहा हो गई, तो कैसे आप लोगों ने ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला सर? सिर्फ गाड़ी ये पंत जी से हमने 3 सेकंड में 4 सेकंड में मैंने कनेक्टर को इसको आधा निकले हुआ था जी, ये खिड़की से जी, सामने वाली खिड़की, बगल वाली खिड़की से या सामने वाले शीशे से? ये सामने वाले शीशे से जी। हमने मैंने देखा, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने सोचा ये बेहोश की हालत में है, इतने में कनेक्टर है कि हमने दोनों ने पकड़ के 3 या 4 सेकंड में खींच के, मैं ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, मैंने खींच के साइड में गिरा कुछ तो ये कह दे जी, हमने जैसे खींचा ना उसका क्रॉस भी आई थोड़ी बहुत, और वो मैं भाग के गाड़ी की तरफ भागने लग गया ना, मैंने देखा मैं इसमें कोई और पर्सन तो नहीं है, क्योंकि अंधेरे का टाइम था, लाइटें बंद थी, तो बाकी मैंने देखा, मैंने वो बोला नहीं इसके इतने में उसके चारों तरफ आने लगा चिंगारी हुई, मैंने देखा फायर सिलेंडर लेने के लिए भागा मैं। नहीं तो सुशील जी, एक वीडियो यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर दोनों रोड के बीच का जो लेन होती है वहाँ पर ऋषभ को कुछ लोग लिटा रहे हैं, वो आप ही लोग हैं? हमने तो निकाला, हम सबसे पहले मैं, मेरा कनेक्टर, फिर वो जो यात्री थे ना बस में वही आए हैं, कोई बाहर का ना, कोई गांव को आया ना कोई साइड में से किसी और गाड़ी ने। तो ऋषभ को चोट कहाँ कहाँ लगी सर? पीठ पे खरोच हम देख रहे हैं, पैर पे कहा जा रहा है फ्रैक्चर हो गया, आप बता सकते हैं चोट कहाँ कहाँ नजर आ रही थी आपको प्रथम दृष्टया? उस टाइम उसके चेहरे पे सारे पे छुलिया हुआ था, अरे इसके ये कपड़े नहीं पहने हुआ था बिल्कुल, इसमें था ये इसमें अंडर में चादर में लपेटा हमने इसको,
चादर उठाई मखा ये चादर उठ ले फिर पानी मांगा पानी बाका है कि यात्री बस में रखा था मखा बाका पानी की बोतल लिया पानी की बोतल इसको पानी पिला दो। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने टी शर्ट या शर्ट नहीं पहनी थी ऊपर और इसी वजह से पीठ पे खरोच आ गई। तो हमने पूछा ना उसको खींचा वो कह रहे हैं कि पलटे लिए गाड़ी ने गाड़ी 200 मीटर से पलटे लगाते आ रही है सर। जी 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 ये थोड़ा कि गाड़ी है एक पलटा लिया गाड़ी तो बहुत दूर से पलटे लेकर डिवाइडर वो वहां पर कैमरा भी लेके आया क्योंकि उस फैक्ट्री के आदमी निकल के आ रहे थे क्योंकि फिर बाद में मैंने वो खंभा है ना जो पोल है जिससे वो टकराई थी जी वो रोड के बीच में था मैं और 2-3 पर्सन और गए हमने वो खंभा बीच में कराया मगर कभी इसमें और दिल्ली साइड से कोई ट्रैफिक आके टकरा ना जाए। तो ये ऋषभ पंत को बाहर निकालने के कितनी देर बाद ये गाड़ी जल गई सर ये जो क्योंकि कहा जा रहा है 5 या 6 मिनट में 6 मिनट के अंदर अंदर जी यानी बाल बाल जान बची है। जी जी 5 या 6 मिनट पुलिस वाले का फोन आ रहा था बार बार मैंने कहा आप कहाँ हो ना फायर आ रही ना एम्बुलेंस आ रही ना पुलिस आ रही कहाँ हो। ठीक है एक आखिरी सवाल सर इसके कितनी देर बाद यहाँ से पुलिस प्रशासन या एम्बुलेंस पहुंची जब आप लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया कितना वक्त लग गया सर इस बीच में। सबसे पहले 15 मिनट के बाद आई जी एम्बुलेंस 15 या 16 मिनट के बाद जी जी और उसके बाद पुलिस तो आई नहीं थी हमने उसको एम्बुलेंस में अपनी बस। ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको साधुवाद भी कि आपने ऋषभ पंत को समय रहते अपनी सूझबूझ से बचा लिया और देश का लाल जो है फिलहाल खतरे से बाहर है ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से उन्होंने बताया गाड़ी 100-200 बार पलट चुकी थी उनके कहने के साथ काफी दूर से पलटती हुई आ रही थी और भीषण हादसा था 5 से 6 मिनट बाद ये गाड़ी जलकर स्वाहा हो गई अपने आप में डराने वाली खबर। इस मिनट जो टाइम का पता चला था दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी।